आज पूरे मध्य प्रदेश में गीता जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में छतरपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 में आयोजित किया गया। इसमें बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनय करते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि छतरपुर विधायक ललिता यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, गीता के ज्ञान को आत्मसात करें ताकि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी प्राप्त हो सकें। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। गीता जयंती समारोह में एडीएम मिलिंद नागदेव, जिला सीईओ तपस्या परिहार, डीईओ आरपी प्रजापति, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है। मैं गीता जयंती पर सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। गीता जयंती पूरे विश्व में गीता को अपनाया है और भगवान कृष्ण के जो गीता में उपदेश है, अगर हम उसको अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर शरीर में आत्मबल भी आएगा, हमें जीने की राह भी दिखाएगा। और गीता का ज्ञान इस तरह से भगवान कृष्ण ने जो दिया है, और भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि हमेशा अत्याचार अन्याय का हमें विरोध करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन हमेशा उन्होंने जो अत्याचार अन्याय अगर उन्होंने परिवार में किया है तो उन्हें परिवार का भी साथ दिया, सबका साथ दिया है, हमें उनकी साथ लेना, सबको करना चाहिए। गीता में यही दिखाती है।